इफ यू आर अ स्टूडेंट और आपको एक फ्लैट रेंट पर लेना है, आप वागुली में कहाँ पर रहते हो, आपको फ्लैट रेंट पर लेना हो, तो ये जो वाला अभी वीडियो लगेगा ना आगे आपके लिए बस। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई लोग सब मजे में होंगे, क्योंकि भाई के जिंदगी में बहुत सारे तमाशे हो चुके थे पिछले बार, मतलब कुछ दिनों से मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। ये सोचोगे फ्लैट रेंट पर लेने का, ये क्या यार कौन सी बड़ी बात है यार, ये बंदा इसी के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा। तो फिर फ्लैट देखना जरूरी इसलिए हो गया था कि आपके भाई को रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर थैंक यू सो मच सचिन भाव, थैंक यू सो मच सुमित भाव जिन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी। और दूसरी बड़ी चीज जो की रहती है जुबान, आपके भाई ने जुबान देके रखी थी सबको। हेलो, अरे भावा बघतो ना फ्लैट, भावा तू माझ्या वरती सोड ना भाऊ, तुम्ही मी असताना कशाला टेन्शन घेऊन राहिले तुम्ही, अहो भाऊ तुम्ही घरी एकदम आरामशीर एन्जॉय वगैरे करा, एकदम मजा करा, मी तिकडे तुमच्यासाठी फ्लॅट बघून राहिलो भाऊ, अजिबात टेन्शन नका, कोणत्याच गोष्टीचं टेन्शन नाही घ्यायचं, तुमचा भाऊ आहे ना इथं, बस बाकी काहीच टेन्शन नका घेऊ। ऐसी बात थी सबको जुबान देके रखी थी मैंने, फ्लॅट रेंट पर लेना ये कौन सी बड़ी बात है यार, क्या आप बोलोगे क्या पागल आदमी है यार, ये फ्लैट रेंट पर लेना इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा। तो फिर भाई जरा गौर फरमाइए, मैं कौन हूँ, इंजीनियर हूँ, आपका भाई कौन है, एक स्टूडेंट है, तो फिर फ्लैट लेना इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर वही फ्लैट अगर एक स्टूडेंट बैचलर ले रहा होगा तो ये डील बहुत बड़ी हो जाती है भैया, समझ जाओगे कौन कैसे बड़ी हो जाती है। भाई तो यहाँ पर मैं आया था मॉर्निंग मिस्ट में फ्लैट देखने के लिए, पर आप यहाँ पर एंट्री करोगे ना यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो आप बैचलर टेनेंट नॉट अलाउ, ये जो सीन है ना सब जगह रिपीट हो रहा मेरे साथ। भाई लोग तो फिर समझ रहे हो बात ऐसी ऐसी हो चुकी है, और आपको पता ही है आपका भाई बहुत जुगाड़ू है और इसके ऊपर आप को एक सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से दिया जाएगा। तो फिर आपके भाई ने इसके ऊपर तीन सोल्यूशन निकाले, तो सोल्यूशन नंबर एक ये है, यू कैन डायरेक्टली कॉल अ ब्रोकर, आप ब्रोकर से डायरेक्ट बात कर लोगे तो फिर आपको डायरेक्ट सीधा फ्लैट रेंट पर मिल जाएगा। ओके अभी मैं वही करने जा रहा, कॉल लगा रहा, चालू रहो, क्या हमें फ्लैट रेंट पर मिल सकता है क्या मैम? ओके 12,000, मतलब पहले 12,000 हम आपको पे करने होंगे। ओके कमीशन है आपका ये। ओके हाँ जी मैम, कॉल करके मैं बताता आपको। ओके फाइन मैम, थैंक यू। देख रहे हो भाई लोग 12,000 आपको। फिर सोल्यूशन नंबर वन, आपका भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको भी ये बात अच्छे से पता है, नहीं दे सकता आपका भाई 12,000 रुपए कमीशन कैसे दे पाएगा। तो फिर आपके भाई ने दूसरा नंबर का सोल्यूशन भी निकाल लिया, तो सोल्यूशन कुछ इस तरह का निकाला, मैं क्या करता था फ्लैट सिस्टम के वहां पर जाता था, सोसाइटी में जाता था, नीचे खड़ा रहता था, दो दो तीन तीन घंटे वेट करता था, सिक्योरिटी के साथ बातचीत करता था, और वहां पर जो भी ओनर आते थे नीचे उनसे बात करके डायरेक्ट ओनर कॉन्टेक्ट मिला लेता था। तो भी बात कुछ ऐसी थी, यही वो जगह थी, हम यहाँ पर बैठा करते थे और हमारे जो बाबा है इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे को सहायता की, बाबा धन्यवाद आभारी मंडल तुमसे मदद केल्याबद्दल। तो ऐसे ही सीन थे, हम सिक्योरिटी के पास आते थे और डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट वगैरह सब करते थे। यही हमारे जो दोस्त थे ना, आओ ना भाई, अरे यार तुम शर्मा क्यों रहे, यही भाई ने हमको मदद की, हेल्प की, सहायता की, सब किया बस। थैंक यू सो मच भाई, उस दिन फ्लैट के बारे में बताया ना आपने मुझे, बस उसी के लिए फाइनली कैसे वैसे जैसे तैसे डायरेक्ट ओनर थ्रू आपके भाई को फ्लैट मिल चुका था। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ही मशक्कत करने के बाद आपके भाई को फ्लैट मिल चुका था। तो फिर फ्लैट के सीन बनते हैं ना यार, फ्लैट के सीन देख लो बस। थिंकिंग भाई को, अपने भाई को फ्लैट मिल चुका है भाई, अभी खाली बहुत मजे में हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। और भाई अभी ट्विस्ट तो यहाँ पर है ना, अभी बात कुछ ऐसी हुई, इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी देन आपको बैचलर नहीं वर्किंग बैचलर होना जरूरी है। तो फिर उसी के कारण, वर्किंग बैचलर होने के कारण
मैं कहाँ पर गया होगा पता है क्या आपको? आपका भाई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। भाई यहाँ पर आया था मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट मंत्री यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था, पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला वी डोंट हायर द इंजीनियर, मतलब इंजीनियर को हम लेते नहीं है। आज भी आया था मैं यहाँ पर पीछे मंत्री में इंटरव्यू के लिए और गेस व्हाट, यहाँ पर भी रिजेक्ट हो गया मैं। कंफ्यूजन अभी इस बात का है कि ये वीडियो को एंड कहाँ पर करूँ, क्योंकि स्ट्रगल वाला जो पार्ट है ना वो अभी भी चालू है। बात ऐसी है कि मैं अभी भी इंटरव्यू के लिए अभी भी जा रहा हूँ। तो फिर जो मैंने बोला था तीसरे नंबर का सॉल्यूशन, तो थ्री नंबर का जो सॉल्यूशन है तो वो क्या है? तो बेसिकली आप डायरेक्टली नो ब्रोकर और 99 एकर और मैजिक ब्रिक ये तीन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और वहां पर जाकर आपको सिलेक्ट करने का है ओनर, डायरेक्टली ओनर पर प्रॉपर्टी बाय ओनर, तो फिर डायरेक्ट आपको ओनर कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। और ये वीडियो यहाँ पर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, बट मेरे को ये वाला सीन ऐड करना था। एक्चुअली यस्टरडे मैं डोमिनोज में गया था, एक रिक्शा चालक जिनके मतलब पैरों में चप्पल थी और बहुत ही खराब कंडीशन थी, वो अपने बेटी को डोमिनोज पिज्जा लेने खाने के लिए लेके आए थे। तो फिर बस ये वीडियो देख लो।